हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हर कोई अपने काम से जाना जाता है, भीड़ में भी पहचाना जाता है, लेकिन अगर कोई अपने काम के बारे में अपनों को ही ना बता पाए तो? मैं जिसकी बात कर रही हूँ वो अपने काम से अपनी रोजी रोटी कमाता है और उसका काम न सिर्फ कानूनन है बल्कि कानून के प्रक्रिया का एक अहम हिस्सा है। नमस्कार, मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया क्राइम पेट्रोल सतर्क में आपका स्वागत करती हूँ। आज की ये कहानी सत्य घटना पर आधारित है जिसने मानवीय मूल्यों पर प्रश्न चिन्ह लगा दिए और इस घटना के चर्चे न सिर्फ उस प्रदेश में बल्कि पूरे देश में हुए और आज भी हो रहे हैं। कौन सी है ये घटना, आइए देखते हैं। चलता हूं। मैं माची से क्या जैसा कि आपने देखा, शबाना को अभी अभी जेल के अंदर ले जाया गया है। शबाना की मर्सी प्ली खारिज कर दी गई है। इन्हीं चार दीवारियों के अंदर शबाना को कल फांसी दी जाएगी। यही है शबाना। एक्सक्यूज मी, हाय, आप ही का नाम शबाना शेख है? हाँ जी, मैं तनवीर, आप ही के कॉलेज में मैं जूनियर हूँ। ओके। दरअसल मुझे आपसे वर्ड्सवर्थ के नोट्स चाहिए थे, अगर मिल जाते तो। हाँ श्योर, पर तुमने नहीं बनाए? नहीं, असल में मैं क्लासेस अटेंड नहीं कर पाया। बीमार थे? नहीं, बीमार नहीं था, वो सुबह सुबह मैं तीन कॉलेज में अखबार बांटने जाता हूँ, तो जब तक ये काम खत्म होता है तो क्लासेस ओवर हो चुकी होती हैं, तो अगर मिल जाते तो। हाँ ठीक है, मैं ले आऊँगी। थैंक यू सो मच, एंड प्लीज कंटिन्यू। बाय बाय। ये वाला कंप्लीट करो जल्दी। अरे भाई, घर में इतना अंधेरा क्यों है? अरे कोई है? Happy birthday to you. Happy birthday dear Abbu. Happy birthday to you. अच्छी अच्छी नियामतों से नवाजे तुम्हें, तुम्हारे जैसी बेटी हर अम्मी अब्बू को अल्लाह दे। अब्बू, चलो इसी बात पे एक फोटो निकालते हैं। हाँ। चलो 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 चलो। ठीक है, फिर मैं चलूं। ओके, बाय बाय। शबाना मैम। हेलो मैम, वो वर्ड्सवर्थ के नोट्स। अरे वो तो मैं लेकर ही नहीं आई, एक्चुअली मुझे मिली ही नहीं, मैंने शायद किसी को दिया था तो उसने रिटर्न नहीं किया मुझे, तो आई एम सो सॉरी। ठीक है, कोई बात नहीं। अरे लुक एट योर फेस, आई एम जस्ट किडिंग, लेकर आई हूं मैं, ये लो। थैंक यू सो मच, आपने तो डरा ही दिया था। अच्छा थैंक यू से काम नहीं चलेगा, अब मेरे नोट्स लिए तो कॉलेज में टॉप करना होगा। बिल्कुल। पक्का? पक्का। वैसे तुम्हारा पूरा नाम क्या है? अजीब, तनवीर फारूकी। तनवीर फारूकी, जब फांसी की सजा हो चुकी है तो फिर ऐसे पेटिशन डाल के उसे डिले क्यों करवा रहे हो? देखिए जनाब, हम अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम कीजिए। मैं तो हमेशा से ही फांसी की सजा के खिलाफ रही हूँ, पर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि शबाना निर्दोष है और हम उसे बचा पाएंगे? भरोसा? मुझे शबाना पे पूरा भरोसा है छाया जी। जो लड़की खून नहीं देख सकती वो किसी का कत्ल क्या करेगी। खैर फिलहाल मैं चलता हूँ। अरे तनवीर, इतनी गर्मी में स्कूटर, तुम्हारी कार कहाँ गई? आप तो जानती हैं छाया जी, कोर्ट कचहरी के चक्कर में काफी खर्चा हो जाता है, बेचनी पड़ी। अरे शबाना जी, हाय। हाय, ड्यूटी पर हो? हाँ। वैसे आपके नोट्स बहुत अच्छे हैं, मुझे किसी ने बताया कि आप रजिस्ट्रार सर की बेटी हैं, महमूद सर। हाँ वो मेरे अब्बू हैं। वैसे ऐसे अब्बू हो तो पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देना तो बनता है। हाँ पर अब्बू की वजह से नहीं, मुझे खुद भी पढ़ने और पढ़ाने का बहुत शौक है, और देखना मैं बहुत जल्द ही टीचर बन जाऊंगी, वो भी बेस्ट वाली। जरूर जरूर, टीचिंग बहुत अच्छा प्रोफेशन है। अरे तुम तो बातों में ही लग गए, अखबार देने जाना नहीं है और क्लासेस?
मैं बातों में लग गया, मैं चलता हूँ, बाद में मिलता हूँ। हाँ ओके बाय। ये पेपर वाला क्या कह रहा था? अरे भाभी वो तो मेरे कॉलेज में जूनियर है, बहुत लड़का है। कितना अच्छा? उतना भी अच्छा नहीं है। तो तेरा उतना अच्छा लड़का तुझे मिलेगा भी या नहीं? और अगर मैं कहूँ कि मुझे मिल गया है तो? कौन है वो? जमीन, इस तरीके से कब तक छुप छुप के मिलते रहेंगे हम लोग? तुम अबू से बात क्यों नहीं करते? और क्या बोलूं कि 10वीं पास लड़का पंचर की शॉप चलाता है और आपकी टॉपर बेटी से निकाह करना चाहता है। हाँ तो और क्या, आज नहीं तो कल बात तो करनी होगी ना। और मैं चाहती हूँ जितनी जल्दी बात हो उतना अच्छा है। और पता है क्या, मैं अबू को जानती हूँ, वो मना नहीं करेंगे। वो तुमसे मिलेंगे ना, तुमको जानेंगे ना, तो वो समझ जाएंगे तुम्हारा बहुत ब्राइट फ्यूचर है। प्लीज बात करो। हम तो नाकाम रहे मोहब्बत में, वो जो बेवफा थे कामयाब हो गए। वाह भाई क्या बात है। वैसे आपको देखकर लगता नहीं है कि आपको इतनी बड़ी सजा हुई है? सजा सुनाने और सजा की तामील होने में बहुत फर्क होता है, बहुत फर्क। कितने सारे एनजीओज ने, सीनियर लॉयर्स ने, रिटायर्ड जजेस ने माना है कि फांसी एक इनह्यूमन एक्ट है। इनफैक्ट हम जैसे लोगों को भी यही लगता है कि अगर किसी ने मर्डर किया है तो ज़रूरी तो नहीं ना कि सज़ा के तौर पर उसका भी मर्डर किया जाए। एन आई फॉर एन आई, ये तो जंगल का कानून हो गया छाया जी। मर्डर करने वाले को समाज से दूर रखकर भी हम उसे किसी भी तरीके की सज़ा दे सकते हैं। जीवन देना और किसी की ज़िंदगी छीनने का हक सिर्फ ऊपर वाले को है, इसमें हमें दखल देने का कोई हक नहीं। शबाना की फांसी रोकने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, प्लीज़ बताइए। मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ छाया जी। इतने सालों से तो हम कोशिश कर ही रहे हैं, लेकिन फिर भी फांसी पे बनाई है। मैं तुम्हें कोई झूठी उम्मीद नहीं देना चाहती। कोई नहीं जानता कि हमारी ये कोशिश कब कामयाब होगी, और तब तक पता नहीं न्याय के नाम पे और कितने लोगों की बलि दी जाएगी। चंदा ये सब क्या है? क्या पूरा घर गंदा कर दिया है? अरे करने दो ना, अब मेरा घर चंदा नहीं खराब करेगी तो और कौन करेगा? वैसे भी तुम लोग आते कहाँ हो? 15-20 दिन की छुट्टियों में आते हो, वो भी साल में एक बार। माय नानू इज द बेस्ट। हाँ नानू की बॉडी देखो कितनी सॉलिड है। नानू आप पुलिस हो ना, वो भी स्ट्रांग वाले। हाँ बेटा नानू पुलिस के लिए काम करते हैं। नानू चलो चोर पुलिस खेलते, मैं चोर और आप तो पुलिस हो ही। चलो 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 मुझे पकड़ा। पता नहीं क्या होगा जब चंदा को पता चलेगा कि उसका नानू जेल में लोगों को फांसी देने का काम करता है। जल्लाद है, जल्लाद है आप लोग। ये तो वही मुर्गा था ना, वो काला सुनहरा लाल रंग का, मैंने अपने हाथों से दाना खिला के बड़ा किया था और आप लोग ने उसे। बड़ा ही टेस्टी मुर्गा था अम्मी जान, जिस तरीके से आपने इसको भूना है ना, मजा ही आ गया। अरे शब्बू, शब्बू अब वो बाहर जो खून पड़ा हुआ है वो इसी मुर्गे का है ना? अब मैं नहीं खाऊंगी। नहीं अबू, अबू आपको पता है ना मुझे खून से कितनी नफरत है। खाइए आप लोग, जा रही हूँ। शब्बू बेटा सुन तो, आप यहाँ क्या कर रही हैं? आइए कुछ खाते हैं, चलिए। भूख मर गई है मेरी। पर हुआ क्या है? घर वालों ने मेरा पाला पोसा मुर्गा काट दिया, वो भी घर पर ही, पूरा खून खून कर दिया था। ऐसे कौन करता है? पता मुझे खून से कितनी नफरत है। बहुत सारा खून था, 7 बॉडीज थी, बच्चे बूढ़े सब। उस वक्त जो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर्स थे उन्होंने ये बात मुझे बताई थी। जब पुलिस पहली बार वहां पहुंची तो एग्जैक्टली क्या क्या हुआ था? रिपोर्ट के मुताबिक पड़ोसियों ने फोन किया था पुलिस को। हेलो पुलिस, अचानक कुछ आवाज आई तो मेरी आंख खुल गई। मैंने देखा छत से कुछ लोग भाग के जा रहे थे,
मैं डर गई, नीचे भाग कर आई तो देखा। फॉरेंसिक टीम को बुलाओ और बॉडी का पंचनामा करो, सभी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। स्ट्रगल या फोर्स एंट्री के कोई निशान मिले आपको? कोई स्ट्रगल के निशान नहीं है सर, ना ही घर में कोई फोर्स एंट्री। एक ही परिवार के 7 सदस्यों की इतनी क्रूर हत्या से पूरा शहर सकते में आ गया था। किसी को विश्वास नहीं हो पा रहा था कि इतने महफूज इलाके में इतना जघन्य अपराध कौन कर सकता है। लोगों में आक्रोश बढ़ा और वो धरना देने के लिए रास्तों पर उतर आए। उनका कहना था कि जब तक सरकार लोगों की जानमाल की रक्षा का भरोसा नहीं दिलाती, ये संघर्ष यूं ही जारी रहेगा। 2010 में उठा हुआ वो तूफान कुछ लोगों की जिंदगी में 2021 तक थामा नहीं था। जेल की चार दीवारी में शबाना अपने अधूरे सपने और गुजरती हुई जिंदगी को अलविदा कहने की तैयारी कर रही थी। क्यों पानी डाल रहे हो, क्या काम आएगा तुम्हारा ये पौधा? खुद के लिए तो जानवर सोचते हैं, हम तो इंसान हैं। हमारे लगाए हुए पौधे किसी न किसी को छांव देंगे। अरे अरे कोई पानी लाओ। रुकिए, हीट स्ट्रोक आया हुआ है, पानी कोई नहीं पिलाएगा। अंदर लेके चलिए, डॉक्टर को फोन कीजिए आप लोग जल्दी। माफ कीजिएगा, मैं नमाज कभी मिस नहीं करता। कोई बात नहीं, आइए बैठिए। बैठिए जी सर, बताएं। इतने बड़े हत्याकांड ने पूरे शहर को झंझोड़ के रख दिया था। पुलिस ने एग्जैक्टली वहां पे जाके क्या किया? उस वक्त जो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर थे वो सबूत इकट्ठा करने की कोशिश कर ही रहे थे, लेकिन मीडिया और अखबार वालों ने ऐसा बड़ा बखेड़ा खड़ा किया कि क्या बताऊं। पूरे प्रदेश का दिल दहला देने वाला हत्याकांड इसी घर में किया गया है। इस घर की चार दीवारी के अंदर एक ही परिवार के 7 मासूमों की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। अब सवाल ये उठता है कि उन अपराधियों को पुलिस अब तक पकड़ क्यों नहीं रही है? क्या इस शहर की जनता ऐसी ही डर डर कर जीती रहेगी? आखिर सरकार कर क्या रही है? बेटा जी बहुत बुरा हुआ, लेकिन आप परेशान मत होइए, ये सरकार आपके साथ है और हमेशा रहेगी। बस आप अपना ध्यान रखिए। मैम, इस कांड के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हम इसकी सही जांच करवाएंगे और कातिल को ढूंढ के कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे। हमारी आप लोगों से एक अपील है कि विरोधी पार्टी के बहकावे में ना आए। इस केस की इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कौन है? जैन मैम। कहाँ तक चली आपकी इन्वेस्टिगेशन? मैडम जांच चल रही है, बहुत जल्दी आपको रिस्पांस मिलेगा। 7 लोगों को काट के मार दिया गया और आपकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है? ये नहीं चलेगा, इनका लाइन अटैच करो, मैं इस केस के लिए किसी और को ले आती हूँ। अचानक से पुराने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को हटा दिया गया और मुझे बुलाया गया। सर फिर क्या हुआ? मैंने चार्ज लिया और इन्वेस्टिगेशन शुरू की। जब आप लोग आए थे तो ये दरवाजा खुला था या बंद? बंद था सर। परिवार में सिर्फ एक ही लड़की जिंदा बची है? जी सर, शबाना। कहाँ है? नीचे के कमरे में, आइए। जी सर। सर को शबाना से बात करनी है। सर बच्ची अभी भी सदमे में है, ऊपर से आप सवाल जवाब करेंगे और परेशान हो जाएंगे, क्या फिर से दौरे वोरे नहीं पड़ जाए? सर देखिए, आपकी बात समझ रहा हूँ मैं, लेकिन उनसे बातचीत तो हमें करनी पड़ेगी। एक्सक्यूज मी, देखिए पहले ही लोग आक्रोश में हैं, ऊपर से आप जबरदस्ती सवाल जवाब करके बच्ची को प्रताड़ित मत कीजिए। सामाजिक सरोकार और शांति बनाए रखने के लिए यहाँ का तहसीलदार होने के नाते हम आपको ये इजाजत नहीं दे सकते। ये वॉल तकरीबन 12 से 14 फीट की होगी, और कोई तरीका है जहाँ से चढ़ा जा सके ऊपर यहाँ? सर इस तरफ तो कुछ नहीं है, पीछे की तरफ पाइप है। ये देखिए सर, ये दोनों पाइप इतने कमजोर है कि 50 किलो का आदमी चढ़े पाइप टूट जाएंगे। अब तक की इन्वेस्टिगेशन में किसी पे कोई शक? सर शबाना का कहना है कि कुछ दूर के रिश्तेदारों के साथ प्रॉपर्टी को लेकर झगड़ा चल रहा था, तो शबाना को ऐसा लगता है कि शायद वो लोग भी हो सकते हैं। सर पिछली 3 पीढ़ियों से जमीन का बंटवारा नहीं हुआ था, जब हमने अपना हिस्सा मांगा तो उन्होंने मना कर दिया। तो इसे बांटा?
ऐसा गुनाह हमसे कभी नहीं होगा। जब ये सब कांड हुआ तो हम घर पे ही थे। मतलब तुमने नहीं मारा? नहीं सर। किसी और से मरवाया सुपारी देखे? नहीं सर, हम इतने गिरे हुए नहीं है कि जमीन के लिए किसी को मार दें। सर, सर शाबाना ने खाना पीना छोड़ दिया है, दिन रात सिर्फ रो रही है, उसकी तबीयत बिगड़ती जा रही है सर। जल्दी से उसे हॉस्पिटल लेकर जा, और अगर हॉस्पिटल नहीं जाना चाहती तो एक अच्छा डॉक्टर उसके लिए अपॉइंट कर जो स्मार्ट हो, कन्विंसिंग। हमें कोई भी चांसेस नहीं लेने, ये केस बहुत ही सेंसिटिव है, थोड़ी सी भी लापरवाही और लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ सकता है। आई होप यू अंडरस्टैंड सर। बहुत कमजोरी आ गई है, कुछ खाया? नहीं डॉक्टर। बीपी क्रिटिकली लो है, ज्यादा बीपी लो हुआ तो ब्रेन पे परमानेंट डैमेज आ सकता है, तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा। चलो शबाना उठो। देखो शबाना, तुम एक पढ़ी लिखी और समझदार लड़की, आई कैन अंडरस्टैंड योर पेन, बट इंसान को अपनी तकलीफ से खुद ही निकलना पड़ता है। एंड जस्ट थिंक ऑफ योर फैमिली, उनको इंसाफ तो दिलाना है ना। सर, ये शबाना का बड़ा भाई, गांव में पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पा रही थी और इनके घर में पढ़ाई लिखाई का अच्छा माहौल था, इसीलिए इनके पास आकर के रहने लगी। जावेद का बेटा, वेरी सैड सर, छोटा बच्चा था, बेचारा कोलैटरल विक्टिम बन गया। नहीं सर, अभी तक तो हमारे पास कोई कंफर्म्ड इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। जयन मार, लोगों का प्रेशर बढ़ता जा रहा है, चक्का जाम, धरना, प्रदर्शन, सब नाटक शुरू हो गया है। अगर जल्द से जल्द कातिल पकड़ा नहीं गया ना, तो हमारे सरकार एंड लॉ एंड ऑर्डर के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। मैम, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। कोशिश से काम नहीं चलेगा, मुझे रिजल्ट चाहिए। मैं कल पीड़ित परिवार लड़की शबाना को 5,00,000 कॉम्पेंसेशन देने जा रही हूँ। 24 घंटा है तुम्हारे पास, कातिल को ढूंढ निकालो। मैं कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों न्यूज साथ में देना चाहती हूँ। आई विल डू माय बेस्ट मैम। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी, हमें एहसास होने लगा कि ये मामला कितना संगीन है। तो फिर आपने क्या किया? नया पैतरा आजमाने की कोशिश की। इतने में एक ऐसी खबर मिली हमें जिसने हमें हिला के रख दिया। कौन सी खबर? हेलो, जी जी जी, बिल्कुल जी, सब खैरियत? वो दरअसल मेरी बहन दिल्ली हॉस्पिटल में एडमिटेड है, उसकी डिलीवरी है, लेकिन कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो गए हैं। वो नाल बच्चे के गले में अटक गई है, सिजेरियन करना पड़ेगा शायद। एक्सक्यूज मी, सिजेरियन से पैदा होने वाला दुनिया का पहला बच्चा कौन था जानते हो? अरे वही जिसे शेक्सपियर ने अपने नाटक में अमर किया, जूलियस सीजर। हाँ, इस बात का कुछ प्रूफ नहीं है और उस वक्त कुछ फैसिलिटीज भी नहीं थी। डॉक्टर्स ने उनके बच्चे की डिलीवरी कराई बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से और उनकी जान भी बचाई। तनवीर, क्या हुआ, परेशान लग रहे हो? नहीं कुछ नहीं, मैं अभी आता हूँ। पर तनवीर, हुआ क्या? हुआ, एग्जाम पास आई है और उसके पास पैसे भी नहीं है फीस देने के लिए। अरे शब्बो बेटा जी, आ गई? हाँ। अच्छा बेटा, मुझे बोनस मिला है। अरे वाह। तो मैं सोच रहा था कि तुम्हें एक अच्छा सा मोबाइल लेके दे दूं, तो कल सवेरे जाते वक्त अपने मोबाइल के लिए मुझसे पैसे ले जाना और एक ढंग का मोबाइल खरीद लेना। अबू, मुझे ना आपसे एक बात करनी थी। हाँ बेटा कहो ना। हमारे कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स के पास ना एग्जाम फीस भरने के पैसे नहीं है। वो उसमें से तनवीर जो हमारे घर पे अखबार देने आता है, तो मैं सोच रही थी कि जो आप मोबाइल के लिए पैसे दे रहे हो वो मैं तनवीर को दे दूँ। तुम्हें क्यों बेटा? अबू, वो पढ़ने लिखने में बहुत तेज़ है लेकिन मजबूर है, पैसे नहीं है उसके पास। तो अबू पता है, अगर वो एमए कर लेगा ना तो उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। माशाल्लाह, कल सवेरे जाते वक्त अपने मोबाइल के लिए और उस लड़की की फीस के लिए पैसे लेके जाना मत। दोनों के लिए। अबू, ये आपसे लाड़ी खाती रहेगी या कुछ ढंग का भी करेगी? कर रही हूँ ना एमए, मास्टर्स, अबू बताओ बीएड और फिर टीचर। बस टीचर की ही दुहाई देती रहेगी या अपनी शादी के बारे में भी सोचेगी? अम्मी, मैं आप पर बोझ हो गई हूँ क्या? अरे भाई, मैं कहता हूँ अगर वो अपने सपनों को पूरा करना चाहती है, टीचर बनना चाहती है, तो उसे करने दो, शादी ब्याह तो होता रहेगा।
अबू यादव शुक्र मनाओ मेरी फैमिली ऑर्थोडॉक्स नहीं है वरना मेरी 3-4 शादियां हो जाती। अच्छा बोलो शादी कब कर रहे हो मुझसे? जल्दी करूंगा, पहले थोड़े पैसे तो कमा लो और एक पंक्चर की दुकान से थोड़ा एक अच्छा सा गैराज बना लो, फिर खुद जाके तुम्हारे अब्बू से बड़े तहजीब से हाथ मांगूंगा। वो कैसे? ऐसे। आदाब महमूद साहब, वो हमारा आपकी बेटी एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं पर वो आपकी इजाजत और दुआओं के बिना हम निकाह नहीं पढ़ सकते। हम निकाह करना चाहते हैं एक दूसरे से, हम वादा करते हैं हम आपकी बेटी को हमेशा खुश रखेंगे, खुद से ज्यादा ख्याल रखेंगे और ये भी वादा करते हैं कि उसका हाथ हम कभी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है बरखुदार, हमारी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में। अम्मी मैं आपको बहुत मिस करती हूँ। तुझे पता है तेरा नाम कायनात क्यों रखा है? कायनात का मतलब होता है पूरी दुनिया और तुझ में मेरी पूरी दुनिया समाती है। अभी तो तुम्हें दुनिया देखनी है, खूब इंजॉय करना है, पढ़ना है, लिखना है, नाम कमाना है और मैं चाहती हूँ मेरी कायनात का नाम पूरे कायनात में मशहूर हो जाए। कुछ सपने और उम्मीदें पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं। माँ अपने संस्कारों के साथ कुछ सपने भी अपने बच्चों को देती हैं और ये सपने मुश्किल वक्त में उन्हें हिम्मत देते हैं। पर ऐसी कौन सी चुनौतियाँ थी जो शबाना को पता था कि उसकी बेटी कायनात की आने वाली जिंदगी में रोड़ा बन सकती है? ऐसा क्या था जो वो अपनी बेटी को बिना कहे समझाने की कोशिश कर रही थी? क्या उसकी इस कोशिश का संबंध 11 साल पहले हुए हादसे के साथ था? क्या वो अपने कर्म और नियति को आने वाली पीढ़ी से अलग रख सकती थी? मुंह मीठा कीजिए, मेरी बहन को बेटी हुई है, लक्ष्मी आई है घर में। मुबारक हो। जी शुक्रिया। माँ बेटी सब खैरियत? हाँ दोनों सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं। शबाना जी मैं आपका दुख समझता हूँ, जो कुछ भी हुआ है बहुत गलत हुआ है और यकीन मानिए हम अपराधियों को छोड़ेंगे नहीं। मेरा भरा पूरा परिवार खत्म हो गया सर, अब मैं किसके सहारे रहूंगी, क्या करूंगी मैं? हिम्मत तो आपको रखनी पड़ेगी शबाना जी, सबसे पहले जो हुआ है उसे एक्सेप्ट करना होगा और फिर ही आप उभर पाएंगे। एक छोटा सा सवाल है, ये जो हॉल की तरफ से जो टेरेस की तरफ रास्ता जाता है, क्या टेरेस के लिए सिर्फ वही एक रास्ता है? वारदात के वक्त जब पुलिस यहां पर आई थी तो टेरेस का दरवाजा बंद था, हो सकता है आपने बंद किया, वो कुंडी लगी हुई थी, क्या आपने बंद किया था? मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है, अपनों की लाश देख के मैं सुध-बुध खो चुकी थी, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ठीक ठीक है ठीक है, आप आराम कीजिए। पुलिस अंकल मेरी टीचर को इंसाफ मिलेगा ना? कौन टीचर? शबाना टीचर, वो बहुत अच्छी है। ये केले कितने के हैं? 10 के 3। अच्छा ठीक है दे दो। अच्छा ये बताओ स्कूल नहीं जाती? मेरा मतलब है इतनी छोटी सी उम्र है तुम्हारी और ये सब्जियाँ फल बेच रही हो, मन नहीं करता स्कूल जाने का? जाती थी ना, फिर माँ बीमार पड़ गई और पापा के सारे पैसे माँ के इलाज में खर्च हो जाते हैं, अब फीस नहीं दूंगी तो कौन सा स्कूल पढ़ने देगा? पढ़ना चाहती हो तो ठीक है, तुम शाम को मेरे घर आ जाना, 4 से 6 मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी और फिर तुम प्राइवेटली एग्जाम दे देना। पर आपकी फीस? शाम को आ जाना, वही मेरी फीस हो जाएगी। मैं रोज शाम को टीचर के घर जाती और उनके सारे स्टूडेंट्स भी उनके पास पढ़ने आते थे, पूरे स्कूल की फेवरेट है वो। सर शबाना मैडम तो फरिश्ता है, सबका हेल्प करती है, उनके फैमिली के साथ जो हुआ सर बहुत बुरा हुआ, सर उनको इंसाफ मिलना चाहिए। सर शबाना एक अच्छी टीचर होने के साथ साथ एक अच्छी इंसान भी है, वो हमारे कॉलेज की एसेट है, उस पर जो बीत रही है ये सोचकर ही हमें बुरा लगता है, हमें विश्वास नहीं होता कि इतने अच्छे इंसान के साथ इतना बुरा कैसे हो सकता है। सर शबाना के फैमिली मेंबर्स की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है सर, रिपोर्ट के मुताबिक उन सभी लोगों की हत्या किसी धारदार चीज से गला काट कर की गई है। आखिर ये कातिल चाहता क्या था? एक ही परिवार के इतने सारे लोगों को उसने एक साथ मारा,
हो सकता है किसी बात का बदला लेना चाहता हूँ। सभी लोगों के गले पे जो निशान है, जो कट्स है, एक ही तरीके के, एक ही कसम के हैं। जी सर। इसका मतलब एक ही हथियार यूज किया गया है, तो हो सकता है कि हथियारा भी एक ही हो। सर ये भी तो हो सकता है कि मारा एक ने हो, लेकिन साथ में बहुत लोग आए थे। शबाना ने क्या कहा था, कितने लोगों को देखा था? सर उसने कहा था शायद 2 से 3 लोग होंगे। बात समझ में नहीं आ रही है। सभी लोग जो है अपने अपने कमरों में सो रहे थे, लेकिन लाशें हॉल में मिली, किसी भी कमरे में खून के निशान नहीं मिले। इसका मतलब हॉल में ले जाकर उन्हें मारा गया है, या तो भैला फुसला के उन्हें हॉल में लेकर गए हैं, या फिर जबरदस्ती, क्योंकि नींद में चलकर पूरा परिवार हॉल में तो आएगा नहीं। तो लेडी मैकबेथ को ना नींद में चलने की आदत थी, और वो नींद में चलते चलते लोगों की फीस भर दिया करती थी। थैंक यू सो मच, आपने जो इस गरीब पर एहसान दिखाया है वो मैं जिंदगी भर नहीं चुका पाऊंगा। तनवीर शुक्रिया मेरा नहीं, उस अल्लाह का करो, और मुझे बहुत खुशी होगी अगर तुम पढ़ लिख करके अपनी जिंदगी संवारोगे और साथ ही साथ नए बच्चों को उनकी जिंदगी संवारने का मौका दोगे। कायनात, तुम्हें भले ही मैंने अपनी कोख से जन्माया, पर तुम्हारे अम्मी अब्बू कोई और है। किसी को कभी मत बताना कि तुम्हारे असली अम्मी अब्बू जेल में हैं। प्रॉमिस? प्रॉमिस। और एक बात हमेशा याद रखना, एक बेटी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट शख्स उसके अब्बू होते हैं। मेरे लिए भी मेरे अब्बू ही थे, मैंने उनकी बात कभी नहीं टाली। तुम भी अपने अब्बू की बात कभी मत टालना। चलिए आपका टाइम हो गया है। अम्मी, शुक्रिया बेटा। क्या कहा अम्मी ने? अम्मी कह रही थी पढ़ना लिखना, बड़ी ऑफिसर बनना, और अपने अब्बू को कभी तंग मत करना। मैं आपको कभी तंग नहीं करूंगी अब्बू। आपकी माँ को फांसी होने वाली है, आपको क्या कहना है? प्लीज पीछे हटिए आप। एक सवाल, तुम्हें तुम्हारी अम्मी ने क्या कहा उनकी फांसी के बारे में, आपको क्या कहना है? देखिए प्लीज नो कमेंट्स, आप प्लीज हटिए, हटिए प्लीज। जैसा कि आप देख सकते हैं, शबाना की बेटी अपनी अम्मी से मिलकर जेल से अभी बाहर आ रही है। शबाना को जैसे ही फांसी हो जाएगी, यह बेटी यतीम कहलाएगी। आप देख सकते हैं इस बच्चे के चेहरे की मासूमियत। कितनी मासूम बच्ची है वो, बिल्कुल अपने चंदा की उम्र की है। आपको क्या लगता है पापा, उसकी अम्मी को फांसी होगी? इन मीडिया वालों ने बच्ची तक को नहीं छोड़ा, जिस बात को इतने सालों से छुपा के रखा मैंने, इन लोगों ने ब्रेकिंग न्यूज बना के छाप दी। मैंने और मेरी बीवी ने ना 5 साल में अपना खुद का बच्चा नहीं किया, सिर्फ इस वजह से ताकि कायनात का प्यार ना बढ़ जाए। क्या तुम्हारी वाइफ ने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि तुम शबाना के लिए इतना क्यों कर रहे हो? मेरी बीवी मुझ पर बहुत ट्रस्ट करती है, और उतना ही ट्रस्ट मैं शबाना पर करता हूँ, क्योंकि वो भी एक दौर था जब शबाना ने मुझ पर ट्रस्ट किया था, मुझ पर भरोसा दिखाया था और मेरी पढ़ाई कंप्लीट कराई थी। भरोसा करने वाले लोग बहुत मुश्किल से मिलते हैं, और तुम और शबाना बहुत खुशकिस्मत हो। शबाना की मर्सी प्ली का कुछ हुआ क्या? मुझे तो डर है कि कहीं ये मर्सी पिटीशन रिजेक्ट ना हो जाए और उसका डेथ वारंट ना इशू हो जाए। बट वो तो पहले भी इशू हो चुका है ना। सर, शबाना का डेथ वारंट तो इशू हो गया है, अब फांसी तो निश्चित है। पर फांसी दे नहीं पाएंगे। पर क्यों सर? क्योंकि डेथ वारंट में ना तो फांसी की डेट लिखी है और ना ही समय। उस वक्त तो शबाना की फांसी टल गई, पर अब क्या किया जाए? कुछ तो आइडिया निकालिए चाहे जी प्लीज। अब तक तो मीडिया ने टीआरपी के लिए हमारा इस्तेमाल किया, अब हम मीडिया का इस्तेमाल करेंगे। पर कैसे? सच्चाई और मासूमियत में बड़ी ताकत होती है। बड़े बड़े उसके सामने झुक जाते हैं, बड़े बड़े पहाड़ चकनाचूर हो जाते हैं। अपनी बेगुनाही पर इसी तरह से विश्वास रखते हुए शबाना ने 11 साल जेल में काट लिए थे, पर उसकी हिम्मत अब तक नहीं टूटी थी। जेल के बाहर रहकर भी यातनाएं सहने वाले तनवीर में शबाना की बेगुनाही को लेकर विश्वास अभी तक कायम था। कहां से आती है इतनी हिम्मत? सच्चाई से, मासूमियत से,
अब सवाल ये उठता है कि जिस तरह के समाज की संरचना हमने की है उसमें सुरक्षित रहने के लिए सिर्फ सच्चाई और मासूमियत काफी है? शबाना, कायनात और तनवीर, इन तीनों का क्या होने वाला था? ऐसा क्या घटने वाला था कि आगे का पूरा समीकरण ही बदलने वाला था? कायनात सो गई क्या? ठीक है, हाँ एक मीटिंग में हूँ, यहाँ से सीधा घर ही आऊंगा। ठीक सर, आप बता रहे थे कि आपको कोई खबर मिली थी जिसने आपको हैरान कर दिया था। मुझे डॉक्टर सीमा, जो उस वक्त शबनम की देखभाल कर रही थी, उसने ऐसी खबर दी जिससे मेरे पैरों तले की जमीन खिसक गई। आर यू श्योर? आपको पता है ना कितना सीरियस मैटर है ये? हर अखबार का फ्रंट पेज न्यूज है ये, हर टीवी चैनल पे यही दिखाया जा रहा है। मैं, मेरा भी फ्यूचर करियर दांव पे लगा हुआ है। आई जस्ट रिक्वेस्ट यू कि मुझे 24 घंटे और दे दीजिए एंड आई विल क्रैक दिस केस। आप क्या कहते हैं जी साहब? आई थिंक वी शुड गिव हिम 24 आवर्स। ठीक है, बट बाद में मुझे कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए। आई वॉन्ट रिजल्ट। यस मैम। सर, महमूद फैमिली के सभी लोगों के कॉल रिकॉर्ड्स आ गए थे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। चाय पी लीजिए। अरे तुम लोग अब तक घर नहीं गए? वो क्या है ना सर, आप काम कर रहे थे तो हम सब भी रुक गए। हम सब अपने अपने तरीके से इस केस के बारे में और इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहे थे। वैसे सर, इनके कॉल रिकॉर्ड से कुछ क्लू मिला क्या? शबाना के कॉल रिकॉर्ड से ये पता चला है कि पिछले 6 महीनों में कम से कम 700 या 800 बार उसे एक ही नंबर पे फोन कॉल्स किए और नंबर जमील का है। इनफैक्ट मर्डर की रात को 50 या 55 बार उसने जमील को फोन किया। मर्डर के बाद भी? एग्जैक्टली, यही बात मुझे भी खटकी थी कि शबाना ने जमील को क्यों फोन किया, पुलिस को फोन क्यों नहीं किया। इनफैक्ट पड़ोसियों ने फोन करके पुलिस को बुलवाया। इस जमील का पूरा कच्चा चिट्ठा निकाला और कॉल रिकॉर्ड्स भी। जल्दी से, 24 घंटों में 7 घंटे ऑलरेडी निकल चुके। राइट सर। सर, लीजिए। हाँ तो बरखुरदार, करते क्या हैं आप? जी मेरी पंचर की दुकान है, जावेद भाई जानते हैं, और बहुत ही जल्द मैं उसे गैरेज में तब्दील करने वाला हूँ। मैंने सुना है कि तुम्हारे वालदैन? जी वो 5 साल पहले गुजर गए थे। देखो बेटा, हमें तुम्हारे काम से कोई एतराज नहीं है। हमारी नज़र में काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन जिस तरह हमने अपनी बेटी की परवरिश की है। मैं शबाना का पूरा ख्याल रखूंगा, उसे कोई भी आँच नहीं आने दूंगा, बेफिक्र रहिए। बेटा वो सब हम समझ सकते हैं, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम प्राइवेट एग्जाम दे के अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लो, अपनी पढ़ाई पूरी तरह से मुकम्मल कर लो, उसके बाद हम अपनी शब्बों का हाथ तुम्हारे हाथ में दे देंगे। काम अच्छे से जमा लूंगा, फिर पढ़ाई की क्या जरूरत है? बेटा पढ़ाई लिखाई से इंसान में तहजीब आती है, घर परिवार का माहौल अच्छा बना रहता है और आने वाली नस्लों पर इसका बहुत गहरा असर पड़ता है। जिस दिन तुम अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर लोगे, हम अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में दे देंगे। जी मैं आपसे वादा करता हूँ कि जब तक मैं अपनी पढ़ाई पूरी नहीं करूंगा, मैं शबाना से निकाह नहीं पढ़ूंगा, और निकाह के बाद उसे हमेशा खुश रखूंगा। तो मैं भी अपने सारे कुंबे के सामने तुमसे वादा कर रहा हूँ, जिस दिन तुम्हारी पढ़ाई मुकम्मल हो गई, ग्रेजुएशन तुमने पूरा कर लिया, तुम्हारे साथ अपनी शब्बों का निकाह पढ़वा दूंगा। जमील। ओहो, क्या हालचाल बेगम साहिबा? बेगम साहिबा, अभी तक बनी नहीं हूँ। तुम्हारे अब्बू ने भले ही शर्त लगा के सही, पर हाँ कह दिए, अब तो तुम हमारी बेगम साहिबा ही हो। अच्छा, जा रही हूँ मैं, अब्बू इंतजार कर रहे हैं। तो इंतजार तो हम भी कब से कर रहे हैं, चलो ना। प्लीज, अरे चलो ना। महमूद के घर की दीवार 14 फीट, आसपास ना ही कोई रस्सी मिली है हमें और ना ही कोई सीढ़ी जिससे छत पर पहुंचा जा सके, और घर का दरवाजा अंदर से बंद था। पिछले इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर के मुताबिक छत का दरवाजा भी अंदर से बंद था, तो जो कुछ भी हुआ है घर के अंदर ही हुआ है। सर ये भी तो हो सकता है कि फैमिली के बीच आपसी झगड़ा हुआ हो और फिर फैमिली में से ही किसी ने सभी को मार दिया और फिर उसने सुसाइड कर लिया। अगर ऐसा हुआ होता तो मर्डर वेपन हमें वहां पर मिलता, हमें ना ही मर्डर वेपन वहां पर मिला और ना ही कोई स्ट्रगलिंग के साइंस। तो या तो ये हो सकता है कि कातिल कत्ल करके वहां से निकल गया,
या फिर ये कि किसी ने उसे अंदर आने दिया, उसने सबका कत्ल किया और चला गया, और जो कोई भी अंदर मौजूद था उसने कुंडी लगा दी। लेकिन सर करेगा कौन? फैमिली में से तो सिर्फ शबाना ही बची है। पुलिस की थ्योरीज और चार्जशीट में बहुत सारी खामियां हैं। पुलिस का कहना यह है कि बिना किसी रस्सी और सीढ़ी के कोई भी 14 फीट की दीवार कैसे फांद सकता है। अगर दीवार के बराबर में एसयूवी खड़ी कर दी जाए तो 4 से 5 फीट तो वैसे ही कम हो जाते हैं, बाकी की बची दीवार तो कोई भी फांद सकता है। मुझे पूरा यकीन है कि शबाना को फंसाया गया, और आप सभी जानते हैं कि शबाना की बेटी जेल में ही पैदा हुई थी और 6 साल तक वो वहीं रही अकॉर्डिंग टू द लॉ। लेकिन जब उसे फॉस्टर होम ले जाया जा रहा था तो शबाना ने एक ही प्लेंट दाखिल की थी जिसमें उसने कहा था कि जिसने उसके परिवार वालों को मारा है उससे उसकी बेटी को भी खतरा है। और सबसे अहम सवाल ये कि जमील और शबाना दोनों को ही गुनहगार माना गया है, तो सबसे पहले शबाना को फांसी क्यों? ये पूरी की पूरी कहानी जमील के स्टेटमेंट पे आधारित है क्यों? पिछले 6 महीनों में सैकड़ों बार शबाना ने तुझे फोन कॉल्स किए, प्यार करते थे एक दूसरे को, तो बातें होती रहती थी। हालांकि घर वालों को ये मालूम था सब कुछ, उन लोगों ने तो हमारा निकाह भी तय कर दिया था। शबाना के पूरे परिवार की हत्या हो जाने के बाद भी शबाना ने तुझे फोन किया था? एग्जैक्ट तो मुझे याद नहीं है, पर बात बात हमारी होती थी। मर्डर के वक्त के फोन कॉल की बात कर रहे हैं, कोई कैजुअल फोन कॉल्स ही नहीं। सो याद आया, मर्डर वाली रात तो मेरी बात ही नहीं हुई थी, उसका फोन ही नहीं आ रहा मुझे। बात ही नहीं सर। याद आया, ये तेरे कॉल रिकॉर्ड्स, इसके मुताबिक मर्डर के वक्त और मर्डर के बाद शबाना ने तुझे फोन कॉल्स किए, और तेरे मोबाइल लोकेशन शबाना के घर के पास ही था। अब सच बोलेगा या और मार खाएगा? मैं सच बता रहा हूँ, कोई बात नहीं हुई थी सर, मेरा यकीन कीजिए, मेरी बात हुई थी तो मैं बताता सर आपको। अच्छा, तुझे ये तो पता होगा कि शबाना प्रेग्नेंट, उसके पेट में किसका बच्चा है? शबाना प्रेग्नेंट है? क्या बोल रहे हैं सर आप? चल ठीक है, डीएनए टेस्ट से पता चली जाएगा, तब तक इसकी अच्छी तरह से खातिरदारी करो, इलाज करो इसका। सब सच सच बताता हूँ सर। जमील, मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये बच्चा गिरा देते हैं क्या? मैं इस बच्चे को नहीं गिराऊंगी। तुम्हारे अबू का कहेंगे, बच्चा गिराना पड़ेगा, और ये ऐसी चीज नहीं है कि हम लोग छिपाए, आज नहीं तो कल सबके सामने सच्चाई सामने आ जाएगी। क्या करेंगे? बच्चा गिराना होगा, मेरी बात समझो। बस जमील बस, बहुत हुआ। तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद शबाना से निकाह करके उसे यहाँ से ले जाओगे, लेकिन तुमने अपना वादा तोड़ दिया है। तुम अभी के अभी शबाना को यहाँ से लेके जाओ। समझ लेना कि जिस तरह तुम यतीम हो, आज के बाद शबाना भी यतीम है, और हमारी जायदाद से तुम दोनों को एक फूटी कौड़ी तक नहीं मिलेगी। कभी पलट के मत आना इस घर में, ना ही कभी अपनी शक्ल दिखाना। और शबाना, तुम या तो इस लड़के को भूल जाओ, या फिर इसके साथ अभी के अभी घर छोड़ दो, या फिर हमेशा हमेशा के लिए अपनी फूफी के पास दिल्ली चली जाओ, और इस होने वाले बच्चे से निजात पा लो। अबू, मेरी बात तो सुनिए अबू। बस, तुम्हारे आगे केवल 2 रास्ते हैं, बस जो भी रास्ता चुनना है वो तुम जानो। अबू, जिस जेवर जायदाद का कोई शौक नहीं है, आपके बिना और अम्मी के बिना मैं कैसे खुश रह पाऊंगी? जमील, आई एम सॉरी। अबू, माफ कर दीजिए मुझे समझने की कोशिश करो, मुझे अबू के सामने वो सब कहना पड़ा क्योंकि अबू जायदाद से बेदखल कर देते हैं। जमील, मैं इस बच्चे को जन्म देना चाहती हूँ, अच्छी जिंदगी देना चाहती हूँ, मुझे गरीबी में नहीं जीना है। मैं तो सोने जा रहा हूँ, शब आखिर। अबू, अबू, कल मैं फूफी के पास जा रही हूँ हमेशा के लिए। आपको खीर पसंद है ना? मैंने सबके लिए बनाया है।
हेलो जमील, शबाना के कहने पर ही मैंने उसके सारे परिवार वालों को कत्ल कर दिया। शबाना, यू अंडर अरेस्ट। चलो थाने। पर क्यों? मैंने क्या किया है? तुमने अपने बॉयफ्रेंड जमील के साथ मिलकर पूरे परिवार की हत्या की है। झूठ है ये, मुझे फंसाया जा रहा है। झूठ क्या है, सच क्या है, अदालत डिसाइड करेगी। लेके चलो इसे। ले चलिए। सर मुझे फंसाया जा रहा है, बात तो सुनिए। चलिए चलिए बेटा इसे। सर बात तो सुनिए। ये अदालत शबाना और जमील को शबाना के परिवार के 7 सदस्यों के कत्ल का अपराधी मानती है और दोनों को फांसी की सजा सुनाती है। बोथ आर टू बी हैंग टिल डेथ। शबाना, तुम्हारी मर्सी फी रिजेक्ट हो गई। होगा वही जो अल्लाह चाहेगा। एक रिक्वेस्ट है, मेरी बेटी का ख्याल रखना, वो मेरे और मेरे खानदान की आखिरी निशानी है। ओके सर, तो मैं फांसी की तैयारी कर दूं। कहते हैं एक इंसान का मन हिमखंड की तरह, आइसबर्ग की तरह होता है, जिसका एक हिस्सा दिखता है तो 6 हिस्से पानी के नीचे छुपे हुए होते हैं। हमारे मन में ऐसी कई महत्वाकांक्षाएं होती हैं जो दबी हुई होती हैं और गलत तरह से उकसाने पर तूफान बनकर सामने आ सकती हैं, और अगर खुद पर नियंत्रण न किया जाए तो अपने आसपास के लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर सकती हैं। शबाना के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वो अपने परिवार से बेइंतहा मोहब्बत करती थी, लेकिन प्रॉपर्टी की लालसा और अपने प्रेमी के प्रति आकर्षण उस पर भारी पड़ा और उसने निर्ममता से अपने पूरे परिवार की हत्या कर दी। सोचिए, अपने परिवार को खत्म करने का निर्णय लेने से लेके अंजाम देने के बीच में अगर शबाना सूझबूझ से काम लेती, समझदारी से काम लेती, तो एक अच्छी इंसान कहलाई जाने वाली शबाना एक कातिल नहीं बनती। वो अपने बेटी होने के नाम पर एक बदनुमा दाग नहीं बनती। जरा सी नैतिक निर्णय में चूक और इंसान को जानवर बनने में देर नहीं लगती। मैं आपसे आशा करती हूँ कि आप अपने अंदर की बुराई से लड़ेंगे, अपनी आपराधिक प्रवृत्ति से लड़ेंगे, क्योंकि ये कोशिश हमेशा जारी रहती है। जब तक इंसान है, जिंदा है, सांस ले रहे हैं, हमारे मन के अंदर की सच्चाई, अच्छाई और बुराई के बीच की लड़ाई हमेशा चलती रहेगी। इसी के साथ मैं दिव्यांका त्रिपाठी दया लेती हूँ आपसे विदा। फिर मिलूंगी सच्ची कहानियों के साथ। आप देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।